गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, क्या आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड ओके। अच्छा ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर। ओके आप में से कुछ लोग वेक्टर पढ़ चुके होंगे, कुछ लोगों के लिए एकदम नया होगा, तो इसलिए हम लोग जो लोग पढ़ चुके हैं वो एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके और जिनके लिए नया है वो सीखते हुए चलेंगे। चलिए तो हम लोग जब बात करते हैं वेक्टर्स की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर यानी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अगर फिजिकल क्वांटिटी होती है, ओके फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या, ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकें। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद है, उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते थे। कहते थे एक टाइप होगा स्केलर और दूसरा टाइप होता था वेक्टर। ओके कहते थे सर स्केलर वो टाइप है जिसमें आपको इसे डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। ओके जिसमें आपको इसे डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। अच्छा इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है तो आप कहेंगे कि सर इसमें सिर्फ क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने से काम चल जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, क्वांटिटी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपको मास, मास की हम बात करते हैं, कहते हैं स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे क्या हो गया, मास, टेम्परेचर, टाइम, मास। यार अगर एक बात बताओ, आपसे पूछा जाए आप कितने केजी के हैं, आप कहेंगे सर 50 केजी के हैं, तो ये तो नहीं कहेंगे कि 50 केजी के हैं ईस्ट डायरेक्शन में या 50 केजी के हैं वेस्ट डायरेक्शन में ना। आपको सिर्फ अपने मास को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। ओके दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए कभी भी हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके मैग्नीट्यूड की। या ऐसी कई सारी चीजें जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ऐसी कई सारी चीजें, ओके करंट हो गया, इस टाइप की चीजें क्या कहा जाएगा इन्हें, स्केलर। ओके अब आगे देखते हैं, जब बात की जाए वेक्टर की तो कहते हैं सर वेक्टर ऐसी चीज जिसे डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी साथ में, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके तो देखो वेक्टर वो क्वांटिटी जिसमें कहते हैं कि मैग्नीट्यूड की भी इंपॉर्टेंस है और डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है। यानी हम कहें अगर स्केलर कितनी चीजों से मिलकर बना है तो कहा जाएगा सर स्केलर सिर्फ एक चीज से मिलकर बना है और वो चीज है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर बात की जाए वेक्टर की तो कहेंगे सर वेक्टर तो दो चीजों से मिलकर बना है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ओके अच्छा इसके एग्जांपल लोगों ने कहा, इसके एग्जांपल होते हैं सर देखिए डायरेक्शन भी मैटर करता है, इसके एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट, इसके एग्जांपल हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और भी कई सारे एग्जांपल्स। ओके इनको डिफाइन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कह रहे हैं सर डायरेक्शन की। समझेंगे, आपसे कहा जाए कि आपके पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को आपको खिसकाना है, शिफ्ट कराना है, डिस्प्लेस कराना है। ओके तो उस ब्लॉक को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस कराना है, सपोज कीजिए मुझे उस ब्लॉक को अगर मैं इधर खिसकाना चाहता हूं तो मुझे पुल भी करना पड़ेगा किधर, इस डायरेक्शन में। तो देखो अब इस डायरेक्शन में मैं पुल कर रहा हूं तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। ओके जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा ये उसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करने वाला है, तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। दूसरा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए आप कहें सर एक बार मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक बार मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताओ कब ये ब्लॉक अच्छे से मूव करेगा, तो आप कहेंगे सर तब मूव करेगा जब फोर्स होगा 5 न्यूटन, क्योंकि उस टाइम एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, आप ज्यादा हैवी तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से पुश कर रहे हैं तो जाएगा भी ज्यादा अच्छे तरीके से आगे। ओके इसका मतलब देखो अगर वेक्टर की बात करें तो कहेंगे वेक्टर का
दो चीजों से मिलके बना होना, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, यही इसे डिफाइन करता है। स्केलर, स्केलर सिर्फ एक चीज से मिलके बना हुआ है, जिससे मैग्नीट्यूड। ओके अच्छा, अब अगर बात की जाए, सपोज करिए मैं बात करता हूँ स्पीड और वेलोसिटी की। ओके तो स्पीड हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके स्पीड रख रहे हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी लिख रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कह रहे हैं सर वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी। ओके अच्छा, स्पीड का मतलब क्या, जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि मैं 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, इसका मतलब मैं 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो दैट विल बी माय स्पीड। ओके यानी देखो यहां मैंने कहीं भी डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया, समझो, जब मैं कह रहा हूं कि मैं 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, तो मैंने कहीं पे भी डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का मेंशन किया, ये क्या बनेगा, स्पीड। ओके अगर मैं कह दूं कि मैं 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ की तरफ है, देखो 4 मीटर पर सेकंड से आपने बताया क्या, मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ से आपने बताया डायरेक्शन, यानी अब आप वेक्टर की बात करें, और अगर वेक्टर की बात करेंगे तो क्या बनेगा, वेलोसिटी। ओके तो देखो स्पीड एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी बनी होती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, यानी अगर आपको इसे चेंज करना है, स्केलर क्वांटिटी बनी होती है सिर्फ किससे, मैग्नीट्यूड से, यानी अगर आपको इस स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना है तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मैग्नीट्यूड ही चेंज हो जाए। ओके यानी अगर आप स्पीड को बदलना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर ऐसा है, आप पहले अगर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, अगर स्पीड को बदलना है तो 6 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो हम कहेंगे स्पीड बदल जाएगी। यानी देखो स्पीड को बदलने का तरीका सिर्फ कितना, कह रहे हैं एक, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। ओके यानी देखो कोई स्केलर क्वांटिटी अगर है तो उस स्केलर क्वांटिटी को बदलने का तरीका कितना होगा, कह रहे हैं सिर्फ एक तरीका, आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, वो क्वांटिटी बदल जाएगी। ओके अच्छा, अब अगर बात करें वेक्टर की, तो देखो कह रहे हैं सर इसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, यानी वेक्टर बना है दो चीजों से मिलके, और अगर वेक्टर बना है दो चीजों से मिलके तो उसको बदलने के तरीके भी दो, या तो आप स्पीड चेंज कर दें यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, या डायरेक्शन चेंज कर दें। देखिए आपसे कहा जाए, अब जैसे कि अभी कोई पर्सन 4 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा था, मैं चाहता हूं कि मैं इसकी वेलोसिटी चेंज करूं। ओके तो अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मैं कहूं ये 6 मीटर पर सेकंड से जाने लगे, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके तो आप कहेंगे सर देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में पहले जा रहा था, अभी भी नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन पहले जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, अब जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो दो चीजों से मिलके बना होता है, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है यानी वेलोसिटी का वेक्टर चेंज हुआ है। ओके हाँ, अब अगर बात करें मैं जा रहा था, अच्छा क्या यहाँ पे स्पीड चेंज हुई होगी, यस बिल्कुल हुई होगी, कह रहे हैं सर पहले 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, अब 6 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो स्पीड चेंज हो गई। ओके सडनली मैं अगर मान लो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, सडनली एक टर्न आया और मैं ऐसे मुड़ गया, ईस्ट की तरफ मुड़ गया, मान लो ऐसे 90 डिग्री। ओके तो जैसे ही मैं मुड़ा ऐसे 90 डिग्री पे, तो आप कहेंगे सर ऐसा है, आप पहले जा रहे थे 4 मीटर पर सेकंड से, अभी भी जा तो रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से ही। ओके पहले जा रहे थे 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, लेकिन अब जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, तो देखिए क्या होगा, कहा जाएगा सर देखो ऐसा है, आपका जो वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं आया, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया, जा रहे थे ऐसे अब मुड़ के ऐसे जाने लगे, यानी देखिए अगर डायरेक्शन में चेंज आया यानी वेक्टर में चेंज आया। ओके अच्छा, अगर यहाँ पे स्पीड की बात करें, तो मैं कह रहा हूँ देखो ऐसा है, पहले 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे इधर, फिर 4 मीटर पर सेकंड से जाने लगे इधर, क्या इस दौरान कहीं मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ यानी स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्पीड बनी ही होती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, जबकि वेलोसिटी बनती है दो चीजों से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके तो देखो किसी भी वेक्टर को चेंज करने के लिए हमें या तो उसके मैग्नीट्यूड से छेड़छाड़ करते हैं या उसके डायरेक्शन से, तो हम कहेंगे वो वेक्टर चेंज हो गया,
जबकि किसी स्केलर को चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन से, डायरेक्शन तो होती नहीं है सॉरी, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से छेड़खानी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता है। ओके, क्या इसमें कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो नोट डाउन कीजिए। ओके, सबने नोट कर लिया? ठीक है, अभी देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कहते हैं सर देखिए, अगर कहीं वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर को आप एक लाइन खींचिए और उस लाइन के पास एरो ऊपर ऐसे। ओके, तो ऐसे हम ऐसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये ए बी कोई वेक्टर है तो ये ऐसा वेक्टर होगा। ओके, या अगर लिखना है मान लो फोर्स, तो फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो कहेंगे सर ऐसा है, फोर्स को मान लो मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये एफ अगर तुमने सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो ये शो करेगा सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। ओके, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ तो शो करेगा क्या? उसका मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे एक एरो लगाते हैं। ओके, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आपको दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? उसके ऊपर एक एरो लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसे लिख दिया जाए, मैं लिख दूं कहीं पे एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे, तो ये जो अगर मैं अगर बगल ये इसे एक डब्बे में बंद कर देता हूँ जिसे मैं मॉड कहता हूँ, मॉड में बंद कर देता हूँ, तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जबकि ये सिंबल अगर मैं लगाता हूँ वेक्टर के आगे मॉड, तो ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कई जगह पे, जैसे आप क्वेश्चन में देखेंगे डायरेक्ट तो एफ इक्वल टू एफ लिखा दिखेगा, अगर ऊपर एरो नहीं लगा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छा अब बात करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर की। ओके, अब बात करते हैं किसकी? वेक्टर के टाइप्स की। तो अगर वेक्टर के टाइप्स की बात करें तो कई सारे टाइप्स होते हैं वेक्टर के। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे कहा जाए वेक्टर के टाइप के बारे में डिस्कशन करने को, तो कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो मैं देखना चाहूंगा वो टाइप है, कहते हैं इक्वल वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कहा जाए कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कहा जाए कि दो बच्चों का वेट सेम है, ओके मास सेम है, जब मैं वेट सेम कहूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे जनरली क्या लेंगे? मास। दो बच्चों का मास सेम है, तो मास सेम का मतलब क्या है कि अगर एक का मास 50 kg है तो दूसरे का मास भी 50 kg, यानी यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ। अच्छा अगर वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजें इन्वॉल्व है, एक डायरेक्शन दूसरा मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे अगर दो वेक्टर को इक्वल होना चाहिए तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में
और इस ए वेक्टर की लेंथ मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरा वेक्टर बी भी होना चाहिए कहाँ, इसी डायरेक्शन, और उसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों कैसे हो बराबर, तब मैं कहूंगा कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल हैं। ओके, दूसरा पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स क्या, अच्छा देखो, दो वेक्टर अगर कह दिया जाए कि एक दूसरे के पैरेलल, यानी दोनों कैसे हो, कह रहे सेम डायरेक्शन में, यानी एक वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये स्पेस में, अगर एक वेक्टर ऐसे ओरिएंटेड है तो दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल तब कहे जाएंगे जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो। अच्छा, इसमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, अगर कह दिया जाए ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, या कहें दोनों एक्स एक्सिस से, अगर ये एक्स एक्सिस है मान लो, तो इसका एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इसका एंगल भी वहां से क्या बने, थीटा। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी में क्या देखेंगे, इसी में देखेंगे क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कहते हैं सर पैरेलल वेक्टर से एक दूसरे के पैरेलल, सेम डायरेक्शन में। ओके, एंटी पैरेलल क्या होंगे, जो एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी अगर ये हुआ ए वेक्टर इस डायरेक्शन में तो बी वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन। ओके, चलो नोट कर लो। लिख लिया सभी ने? ओके बच्चों, आगे देखेंगे जो फोर्थ लिखना चाहेंगे वो होगा क्या, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या समझे, आपसे कह दिया जाए कि एक वेक्टर, ए वेक्टर इधर है, ओके, तो बी वेक्टर भी हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। समझो, अगर इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर तो इस वेक्टर की लेंथ भी हो 12 सेंटीमीटर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आप कहेंगे देखिए कि वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ में, हम लोग लिखेंगे नल वेक्टर। क्या होता है नल वेक्टर, कहते हैं सर नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। ओके,
मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। ओके, तो नल वेक्टर के लिए डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, पहले नेगेटिव वेक्टर लिखना है, उसके बाद नल वेक्टर के लिए लिखेंगे। लिखेंगे अ नल वेक्टर हैज, अ नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, अ नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। A null vector has zero magnitude and no specific direction. Okay, मतलब इसकी कोई भी arbitrary direction आप मान सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। Okay, लेकिन इसका कोई specific fixed direction नहीं है। अगर आपको इसे represent करना है तो represent किया जाता है zero vector। कैसे, समझे? देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इन दोनों vectors को आपस में जोड़िए। ओके, तो जब आप दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा। ठीक है, दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एक वेक्टर। अब ये दोनों को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो एक वेक्टर है इधर और दूसरा वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट, तो दो वेक्टर, देखिए ऐसे समझो, आपसे कहा जाए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अभी बेटा रिपीट कर देता हूँ, पहले समझ लो नल वेक्टर किस पर्पज से, किस प्रोस्पेक्टस में हम लोग यूज कर रहे हैं ये बता देते हैं। देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिहाज से मैं आपको समझाऊंगा। आपसे कहा जाए, मान लो कि आपके पास ये एक ब्लॉक है। ओके, ठीक है, इस ब्लॉक पे आपने यहां से फोर्स लगाया F1, मान लो 12 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ से आपने 12 न्यूटन फोर्स लगाया, अभी कोई फोर्स नहीं है, तो क्या ये इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है तो क्या ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल मूव करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन आके यहाँ से, कोई दूसरा पर्सन भी यहाँ से 12 न्यूटन का ही फोर्स लगा दे इस डायरेक्शन में, तो क्या ये इफेक्टिवली मूव करेगा? आप कहेंगे सर अब तो ये मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ से पुश कर रहा है 12 न्यूटन से और ये यहां से पुश कर रहा है 12 न्यूटन से। तो अगर F नेट, अब अगर इस पे नेट फोर्स निकालोगे तो वो आएगा कितना? कहेंगे सर देखिए ये हो गया 12 और ये भी हो गया 12, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर नेट फोर्स देखा जाए तो आएगा 0। लेकिन दोनों फोर्सेस, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों फोर्सेस का एडिशन भी आना चाहिए क्या? एक वेक्टर। ओके भाई, दो वेक्टर को अगर आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो रिजल्टेंट आना चाहिए एक वेक्टर। तो अगर कह रहे हैं कि अगर इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे से जोड़ा, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? कह रहे हैं एक वेक्टर, और वो वेक्टर क्या? नल वेक्टर, जीरो। अब इसकी तुम डायरेक्शन कहीं पे भी मान लो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आप कह दो, मान लो सर ऐसे लग रहा है तो लगने दो, क्या कोई दिक्कत है? ऐसे लग रहा है ऐसे लगने दो। तो डायरेक्शन क्या लिखा है हमने? कुछ भी आर्बिट्री डायरेक्शन, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। ओके, अपनी सहूलियत के साथ। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं, अगर नहीं लिख पाई जैसे किसी बच्चे ने, लिखेंगे अ नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, अ नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, हाँ, दोनों नाम है इसके, आप इसको नल वेक्टर भी कह सकते हैं और जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। ओके, नल वेक्टर भी कह सकते हैं, जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, दोनों एक बात है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कोलिनियर वेक्टर।
ये 6 नंबर था, तो कोलिनियर वेक्टर। ओके, दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? ओके, तो लिखेंगे लिखेंगे टू और मोर वेक्टर, या ये लिखना चाहेंगे पहले, ये लिखना पहले, ये लिखना, एक मिनट का समय लेके उसके बाद फिर ये बोलते हैं डेफिनेशन। हाँ, एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई कर दिया जाए, तो डाउनवर्ड भी अगर अप्लाई कर दोगे तो डाउनवर्ड में उस फोर्स के कारण नेट फोर्स रहेगा। इन दोनों का इफेक्ट तो अभी भी कैंसिल है ना। अगर मान लो आपने यहाँ से एक फोर्स ऐसे लगा दिया तो उस फोर्स के कारण डाउनवर्ड इफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ अभी भी इस एक्सिस के अलोंग तो मूव नहीं करेगा ना, एक्स के अलोंग, समझे? तो डाउनवर्ड अगर आप फोर्स भी लगाते हैं तो उसके कारण कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। चलिए अब लिखते हैं कोलिनियर वेक्टर के बारे में। लिखेंगे टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर एक्टिंग, टू और मोर वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन, कोमा लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, not necessarily, फिर से बोल रहा हूं एक बार, two or more vector acting along the same line, not necessarily point in the same direction, not necessarily point in the same direction are called collinear vector। समझेंगे कैसे कह रहे हैं। collinear vector का मतलब समझते हैं। कहा जाए कि ये एक लाइन है, ओके, तो इस लाइन पे जितने भी वेक्टर फ्लाई करेंगे उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? collinear vector। ओके, जैसे आपसे कहा जाए कि एक वेक्टर ये है इस लाइन पे, ओके, एक वेक्टर ये है इस लाइन पे, और एक वेक्टर ये है इस लाइन पे, तो ये मान लो ए वेक्टर हो गया, ये मान लो बी वेक्टर हो गया, और ये मान लो सी वेक्टर हो गया। तो ए और बी की तो देखो डायरेक्शन सेम है, लेकिन सी की डायरेक्शन अलग है, अपोजिट है। तो हमें इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये कहेंगे दो वेक्टर्स के कोलिनियर होने के लिए कि वो क्या करें, एक सेम लाइन के अलोंग लाइन करें, सेम लाइन के अलोंग लाइन करें। ओके, जैसे अगर ये ए वेक्टर इधर है इस लाइन में, तो बी वेक्टर भी इसी लाइन को आगे बढ़ाने पे यहाँ मिल जाए, सी वेक्टर भी इसी लाइन को आगे बढ़ाने पे यहाँ मिल जाए, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो कहते हैं दो वेक्टर कोलिनियर तब होंगे जब वो सेम लाइन के अलोंग लाइन कर रहे हैं। ओके, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। अगर कह दिया जाए इसके बाद कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? आपसे कह दिया जाए कि कोई प्लेन है, प्लेन का मतलब तो समझते ही है, कोई सरफेस है। ओके, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, एक सरफेस हो गया। ओके, आपके पास मान लो एक कॉपी है, तो वो कॉपी जिस पे आप लिख रहे हैं वो एक प्लेन हो गया। ओके, एक सरफेस हो गया, प्लेन यानी सरफेस। तो दो वेक्टर अगर सेम प्लेन पे कब लाई कर रहे होंगे? जब दोनों एक वेक्टर ऐसे रखा है और दूसरा वेक्टर ऐसे रखा है, तो क्या ये सेम प्लेन में है? यस, बिल्कुल है, ये भी बोर्ड के प्लेन में है, ये भी बोर्ड के प्लेन में है। ओके, अच्छा मैं कह दूं कि कोई तीसरा वेक्टर आप और लाएं, मान लीजिए ये तीसरा वेक्टर है, तीन वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और एक वेक्टर ये हमने लगा दिया। ओके, ये ऐसे, क्या ये तीनों कोप्लेनर कहे जाएंगे? कहेंगे यस सर, तीनों कोप्लेनर है, क्योंकि तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, बोर्ड के प्लेन में। अगर मैं कह दूं कि ये एक ऐसे निकला हुआ वेक्टर, ये एक वेक्टर ऐसे निकला हुआ,
तो क्या अभी ये कोप्लेनर होगा इन दोनों के साथ? कहेंगे नहीं, ये इन दोनों के साथ कोप्लेनर नहीं होगा, इन दोनों का प्लेन है ये और ये आ गया इस प्लेन में। ओके, तो देखो इन दोनों का, ये दोनों तो अभी भी कोप्लेनर रहेंगे लेकिन ये इनके साथ कोप्लेनर नहीं रहेगा। ओके ओके, तो कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए लिखेंगे, टू और मोर वेक्टर्स lie in the same plane, if two or more vectors lie in the same plane, they are called coplanar vectors. अगर दो वेक्टर या उससे ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। अब इसमें लिख भी सकते हो तुम कि सर ऐसा होगा कुछ कि अगर एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, दोनों लाई कर रहे हैं सेम प्लेन में, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो दोनों बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। ओके, जैसे मान लो अगर आपसे कह दिया जाए कि एक फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है और दूसरा फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे लग रहा है, लेकिन है दोनों एक प्लेन में बोर्ड में। ओके भाई, बोर्ड के अलग, अगर आप बोर्ड के अलोंग देखो तो इसे आप एक्स एक्सिस कह रहे हो तो इसे वाई एक्सिस कह रहे हो। ओके, इसे एक्स एक्सिस इसे वाई एक्सिस, और ये जो है ये बोर्ड, ये क्या हो गया? कहेंगे एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस ने मिलके जो प्लेन बनाया उसे क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन। ओके, तो देखो बोर्ड की ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और फिर ये जो पूरा सेगमेंट बना इसे क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन। अच्छा, अगर इसमें थर्ड डायमेंशन ऐसे होती यहाँ पे बाहर की तरफ तो उसे कहते हैं जेड एक्सिस, और उस जेड एक्सिस के कारण फिर प्लेन ना बनता। ओके, फिर तो वॉल्यूम बनेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर मैं प्लेन कह रहा हूं तो देखो ये ए वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है, बी भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है बोर्ड की, ठीक है, तो दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या कहा जाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। चलिए इसे मिटा दिया जाए क्या, कि आप लोग कुछ नोट कर रहे हैं, छूट गया हो कुछ तो नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा। ठीक है, ओके बच्चे, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। इसके बाद लिखेंगे एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर का मतलब समझेंगे, सबसे पहले होता क्या है एक्सियल वेक्टर? एक्सियल, ओके, एक्सियल मतलब लिख लेना, एक्सियल वेक्टर। ओके, समझे, आपसे कहा जाए कि आप मान लो किसी चीज को घुमा रहे हो, ऐसे मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर डिस्क है, अच्छा आप लोग सब कभी गांव गए होंगे तो गांव में आपने देखा होगा आटे की चक्की,
या घर में भी होती है अधिकतर, अपन सब तो मध्यम वर्ग का है, घरों में भी होती है आटे की चक्की, गोल गोल दो रहते हैं तो ऊपर वाला घूमता रहता है, जब ऊपर वाला घूमता रहता है उस बीच में सेंटर में एक लकड़ी लगी होती है, ओके, तो उस लकड़ी के अराउंड जो है ऊपर वाला जो तुम्हारा पत्थर है गोल पत्थर वो घूमता रहता है, तो वो जो उस पत्थर की शेप है, या आप कह दें जो आपने डीवीडी देखी होंगी डीवीडीज की जो डिस्क शेप रहती है उसे हम डिस्क कहते हैं। यानी देखो सर्कल और डिस्क में क्या अंतर है, एक होता है टर्म रिंग और एक डिस्क। रिंग का मतलब क्या है कि आपने एक वायर लिया और वो वायर मतलब अंदर से कुछ नहीं है उसमें मटेरियल, ये कहा जाएगा क्या, दिस इज रिंग। अगर कहते हैं डिस्क है तो डिस्क का मतलब अंदर मटेरियल है, ओके okay? अब देखो आपसे कहा जाए एक्सेल वेक्टर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपने एक कील फिक्स कर रखी है या एक लकड़ी लगा रखी है और आप इस चक्की को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, जब आप चक्की को ऐसे घुमाएंगे तो इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, अगर ये एक्सिस ना हो, अगर ये बीच में लकड़ी ना हो, या कहूँ फिजिक्स की लैंग्वेज में कि ये एक्सिस ना हो तो ये घूम नहीं पाएगी, ये रोटेट नहीं कर पाएगी, ओके। तो देखो अब इसको रोटेट कराने के लिए, जैसे हम लोग जब चलते हैं, तो चलने के लिए हमें चाहिए होती है वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, ओके। चलने के लिए चाहिए होती है क्या, वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं क्या, लीनियर वेलोसिटी। अच्छा इसको घूमने के लिए भी एक वेलोसिटी चाहिए होगी जिसे हम कहेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। चलते हैं जब हम लोग तो हम एक लाइन में चल रहे हैं, वी आर मूविंग इन अ लाइन, ओके। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि मुझे एक लीनियर वेलोसिटी की जरूरत है। हाँ अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है तो सर्कल में रोटेट करने के लिए, क्योंकि वो एंग, देखो मैं लीनियर वेलोसिटी क्यों कह रहा हूँ खुद की वेलोसिटी को, क्योंकि मैं एक लाइन में चल रहा हूँ, ओके। अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो ये एंगल कवर कर रहा होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है मान लो ऐसे में ऐसे घुमा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ओके, तो ये लाइन में घूम रहा है, लाइन में नहीं घूम रहा है, ये एंगल कवर कर रहा है, तो जब ये एंगल कवर करेगा तो उसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी नाम के टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे ये एक्सिस ना हो तो ये घूम नहीं पाएगा, ओके। इसे घुमाने के लिए मुझे एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, आप मान लीजिए की रिंग घुमाते हैं, तो की रिंग घुमाते हैं किससे, उंगली से, तो वहां पे उंगली एक्सिस का काम करती है, उंगली के अबाउट ही वो रोटेट होता है, ओके। तो देखो अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, कहते हैं इसकी डायरेक्शन होती है एक्सिस के अलोंग, अगर ये मान लो लकड़ी इस डायरेक्शन में है तो उस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी इस डायरेक्शन में, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ओके। तो देखो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर, जो कि एक्सिस के अराउंड हो, यानी देखो ये घूम रहा है इधर लेकिन इसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस किधर है, इधर, एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, इधर। देखो समझ लो फिर से एक बार, ये मान लो कोई आटे की चक्की है घूम रही है ऐसे, ओके। जब ये ऐसे घूम रही है बीच में जो लकड़ी है वो इसको घुमाने का काम करेगी, अगर वो लकड़ी ना हो तो ये घूम नहीं पाएगा, नहीं घूम पाएगा, तो उस लकड़ी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो जिस चीज के अबाउट ये रोटेट करे उस चीज को क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ओके। उसे क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ रोटेशन। मान लो मैंने एक लकड़ी यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दी और इसके अबाउट इसे रोटेट करा रहा हूँ तभी रोटेट हो पाएगी, तो इस लकड़ी को क्या कहूंगा मैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ओके। तो अब यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट होती है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर, ओके, जो किसी भी एक्सिस के अबाउट हो। ये कब यूज आएंगे, जब आप स्ट्रेट लाइन में ना जाके सर्कल में घूम रहे हो, ओके। तो लिखेंगे इसके लिए एक्सियल वेक्टर के लिए, वेक्टर्स लाइक एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, वेक्टर्स लाइक एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन दो वेक्टर्स, ओके, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड
are directed along the axis of rotation okay, these vectors are called axial vectors. समझेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक्सियल वेक्टर को फिर से। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ओके? तो जब ये रॉड है अपने पास, तो इस रॉड को अगर मैं किसी पॉइंट के अलोंग, मान लो एंड पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं फिक्स कर दूं यहाँ पे कील लगा के, ओके? तो जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, ऐसे मान लो मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे कील लगा के इस पॉइंट पे, और इसे इस पोजीशन में रखा, तो जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा क्या ये घूमता हुआ इधर आएगा? तो बताओ ये घुमा किस पॉइंट के अबाउट? कह रहे हैं सर इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट मैंने इसे कील लगा के फिक्स किया था। तो ये पॉइंट क्या बनेगा इसका? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इधर अगर मैंने कील लगाया हुआ तो ये जाएगा कैसे? ऐसे। तो दिस पॉइंट विल बी इट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर बात करें तो ये खुद रोटेट नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है। ऑब्जेक्ट इसके अबाउट फिक्स रहता है और फिर रोटेट करता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? पूछ लो। हाँ, पेंडुलम। यस, पेंडुलम का एग्जांपल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं पेंडुलम का एग्जांपल ही देख लो सर। तो पेंडुलम में क्या होता है? इस एक्सिस के अबाउट फिक्स है, इस एक्सिस के अबाउट, और ऐसे रोटेट करता है। ओके, वेरी गुड। जैसे क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर, जिस एक्सिस के अबाउट ही फिक्स है। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, किसी को समझ में ना आया हो तो आई कैन फर्दर एक्सप्लेन। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं? ओके, नो डाउट, वेरी गुड। अच्छा, डेफिनेशन तो लिखी ली थी। आगे लिखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट जैसा कि नाम से ही आप लोग सोच सकते हैं, नाम में यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। ओके, जैसे आपसे कह दिया जाए 1 kg, तो ये क्या होगा? यूनिट। यूनिट का मतलब है एक, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, उसे क्या कहा जाएगा? यूनिट वेक्टर। लिखेंगे इसके लिए a vector having magnitude, a vector having magnitude equal to one is called the unit vector. A vector having magnitude equal to 1 is called the unit vector. Okay? It's called the unit vector. अगर आपसे कह दिया जाए, मान लो, suppose करो कि एक vector है ए वेक्टर, ओके, मान लो गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, आप पता करना चाहते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ओके, मान लो आपसे कह दिया कि ए वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, इस टाइप से ये ए वेक्टर था, ओके, ठीक है।
और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे, कहते थे सर देखो ऐसा है, ये जो वेक्टर लिखो इसके अगल बगल ये मॉड का साइन लगा दो, तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस वेक्टर की लेंथ। अगर मैं कह दूं मान लो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ओके, और मान लो मैंने इसकी लेंथ दे दी 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ओके। तो देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर हो गया, मान लो आप चाहते हैं यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, अगर आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए यूनिट वेक्टर ओके, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या समझो, ए वेक्टर की डायरेक्शन में आप एक ऐसा वेक्टर चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 ओके। अच्छा समझ लो फिर से, आपके पास ए वेक्टर गिवन है ओके, आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है, लेकिन आप इस वेक्टर की ही डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, तो कह रहे हैं 1। तो देखो अगर यानी कि आपको सिर्फ इतना पता है कि आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन यही रहे लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो जाए ओके, इसके लिए आप क्या करेंगे, कह रहे सर ऐसा है देखो ये ए वेक्टर हो गया, इस वेक्टर को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड कितना बचेगा 1। यार किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही बचेगा ना ओके। हाँ लेकिन आपको डायरेक्शन चाहिए थी इसके पैरेलल, तो डायरेक्शन देखो वही रहेगी। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, समझो आप ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो ए वेक्टर लिखिए, इसके ऊपर लगा देंगे ये कैप ओके, इसे पढ़ेंगे ए कैप, क्या पढ़ेंगे ए कैप। यानी देखो किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, ऊपर कैप लगा देते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, कहेंगे सर यूनिट वेक्टर होगा ए वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 ओके, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1। तो ये आएगा यूनिट वेक्टर कुछ ऐसे, डायरेक्शन है सेम ए कैप, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, एक यूनिट ओके। कोई दिक्कत, तो कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एग्जांपल भी समझ लिया, समझ गए ना, ये तो मिटाई दे, ये तो आप लोगों ने लिख लिया हो ये वाला। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये y एक्सिस ये x एक्सिस, यहाँ पे ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में ऐसा ओके, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन ओके। तो आपको अगर यूनिट वेक्टर बनाना है f कैप, तो f कैप लिखेंगे जो f वेक्टर है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ f वेक्टर, दैट इज 5 न्यूटन। तो f वेक्टर अपॉन 5 क्या हो जाएगा f कैप। अब f कैप क्या होगा, कह रहे हैं सर इसी की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 न्यूटन। यानी देखो f कैप ऐसे ही लग रहा होगा सेम डायरेक्शन में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 न्यूटन ओके। तो ये नोट कर लो, यूनिट वेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फिजिक्स में हम कहेंगे, और इसका आपको बहुत यूज भी देखने को मिलेगा आगे। मतलब जब मैं कभी किसी चीज का वेक्टर फॉर्म बनाना चाहूंगा, मान लो मेरे पास मैग्नीट्यूड मौजूद है और मुझे पता है कि वो वेक्टर कौन सी है, तो मैं अगर उसे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दूं तो आप कहेंगे कि सर उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन आपको मिल जाएगी ओके। तो ये एक काफी यूजफुल टूल है फिजिक्स में, जिसे हम अगली क्लास से हम लोग यूज करना भी चालू कर देंगे ओके। यूनिट वेक्टर इज इम्पोर्टेंट टूल, खैर ये लिख लिया है ना सबने, लिख लो सब लोग
उसके बाद फिर मैं मिटाऊंगा। चलिए फिर मिटा देते हैं। लिखेंगे हेडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हेडिंग लिखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हेडिंग लिखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। ओके देखते हैं, आपसे कहा जाए कि एक वेक्टर ए वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ये है कहीं पे। ओके तो अब दोनों एक दूसरे से जॉइंट तो है नहीं, क्या करेंगे? तो कहा इनको पीछे बढ़ाओ, आप इनके बीच एंगल निकालना चाहते हैं, ठीक है? इनको पीछे बढ़ाया है, तो दोनों वेक्टर्स के भी हेड के बीच जो स्मॉलर एंगल बन रहा होगा, क्या कहेंगे? दोनों वेक्टर्स के हेड के बीच जो स्मॉलर एंगल बन रहा होगा उसे कहा जाएगा क्या? एंगल बिटवीन दी वेक्टर, क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर। मान लो ये एंगल थीटा बना, दो एंगल बन रहा है, देखो एक एंगल ये थीटा तो दूसरा ये बनेगा, और ये एंगल क्या होगा? कह रहे 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है। ओके तो आप कहेंगे दोनों में से जो स्मॉलर एंगल होगा उसे माना जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, समझेंगे? दोनों वेक्टर्स के हेड के बीच में जो एंगल होगा, ओके एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दोनों के हेड के बीच में जो एंगल है उसे क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, ये एंगल थीटा, ये एंगल 360 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल लिया जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो स्मॉलर एंगल दो हेड्स के बीच में जो बन रहा हो उसे क्या कहा जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर। ओके ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे कह देता हूं कि ये है ऐसे एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, तो आप कहेंगे सर दो एंगल बन रहा है हेड के बीच में, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ओके तो कहेंगे ये अगर थीटा तो ये 360 माइनस थीटा, तो ये वाला एक्सेप्टेबल होगा, ये वाला रिजेक्टेड। ओके अगर कह दें, समझे, अगर कह दिया जाए कि एक ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के हेड्स के बीच जो स्मॉलर एंगल बन रहा होगा, तो देखो ये एंगल क्या हेड्स के बीच बनेगा? एक एंगल ये ऐसे। ओके तो देखो अगर हेड्स के बीच एंगल देखा जाए, देखो हेड्स के बीच एंगल तो यही बनेगा ना, अगर आप इसे एक्सटेंड कराएं तो हेड इधर है, इसका हेड इधर है, तो दोनों के हेड के बीच एंगल ये बना, तो ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये नहीं। ओके कोई दिक्कत?
मान लीजिए ऐसे लिखा है कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ऐसे वेक्टर ये हो गया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर यहाँ पे ये ऐसे आके मिलता है, ठीक है। तो देखो अभी दोनों वेक्टर्स के अगर हेड को बीच एंगल देखा जाए, मान लो एंगल में 120 कह रहा हूँ ये वाला, तो ये दोनों वेक्टर के हेड के बीच बन रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ वेक्टर या एंगल बिटवीन वेक्टर, ओके। ये एंगल एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि ये क्या बन रहा है, दोनों वेक्टर्स के हेड के बीच में बन रहा है। याद रखेंगे दो वेक्टर्स के हेड के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। लिख लेंगे, पहले ये लिख लें, डायग्राम बना लें, क्योंकि कुछ लोग बना चुके होंगे मुझे पक्का पता, तो डायग्राम्स बना लें और उसके बाद फिर डेफिनेशन में लिखा दूंगा कि आपको कौन सा एंगल लेना है। लिखेंगे द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल फॉर्म्ड between the heads of the vectors, between the heads of the vectors, okay। ये लिख लिया ना सबने, angle between vector क्या होता है, it is the smaller angle formed between the smaller of the two angles formed between the heads of the vector, ओके। चलिए फिर इसे मिटा देते हैं। हेडिंग लिखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए कौन से लॉ का इस्तेमाल करते हैं ये बताने जा रहे हैं, ओके। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बताएंगे जो लोग पढ़ चुके हैं कि कौन से लॉ होते हैं, कितने लॉ होते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के। वेक्टर एडिशन के कितने लॉज होते हैं, नो रिप्लाइज एट ऑल, तीन, वेरी गुड। कहते हैं थ्री लॉज होते हैं वेक्टर एडिशन के, पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ, ओके। पहला होता है क्या, ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम और तीसरा पॉलीगन, ओके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ। आपके पास दो वेक्टर हैं, सबसे पहले मैं हेडिंग लिख रहा हूं एडिशन ऑफ वेक्टर,
तो वेक्टर्स को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें देखो जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उनको तो आप सीधे एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों मौजूद हों, ओके, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो ऐसी क्वांटिटी को आप सीधे ऐड नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटी को ऐड करने के लिए आपको सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, सर्टेन लॉज को फॉलो करना होता है, और इन लॉज को हम ट्रायंगल लॉ, वीडियो क्लियर नहीं है, एक काम कीजिए पहले रिफ्रेश कर लीजिए एक बार खुद का, और अगर फिर क्लियर नहीं होता तो फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं ही रिफ्रेश करूँगा। बाकी सबको क्लियर है? कभी कभी ऐसा होता है कि क्लियरिटी नहीं आती, कि सिग्नल का थोड़ा इंटरफेरेंस हो जाता है, इसलिए बेटा एक बार रिस्टार्ट करके देखो, वीडियो ऑफ करके फिर, ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर मैं करता हूँ, बता दूंगा। खैर, आपका तो सर आ रहा है? क्या सर? आपका तो आ रहा है वीडियो? ठीक है, आगे देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ को समझते हैं। पहले आपसे कहा जाए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, द फर्स्ट वन इज ए वेक्टर और सेकंड वन इज बी वेक्टर, ओके, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, आपको दोनों को ऐड करना है। तो आपने क्या किया, देखिए, ए वेक्टर के हेड को, ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर की टेल से मिलाइए, ए वेक्टर के हेड को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं बी वेक्टर की टेल से मिला रहे हैं, ओके, तो दोनों वेक्टर्स के हेड के बीच जो एंगल होगा वो एंगल कहा जाएगा क्या, एंगल बिटवीन दी वेक्टर। तो देखो दोनों वेक्टर्स के हेड के बीच एंगल क्या है, कहेंगे सर देखिए अगर हेड के बीच एंगल निकालना है स्मॉलर, ओके, स्मॉलर दो एंगल बनते हैं, तो देखो अगर आपको हेड के बीच एंगल बताना है तो इसको बढ़ाएंगे आगे, तो जब इसको बढ़ाएंगे आगे ये एंगल बनेगा, इस एंगल को मान लो मैंने नाम दिया थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ये एंगल, ओके, तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मुझे ट्रायंगल लॉ से जोड़ना है तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से मिलाया, ओके, ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से मिलाया। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे टू एड वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ में लिखेंगे सबसे पहले टू एड वेक्टर्स, to add vectors a and b any one of the two vector is slide such that, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, to add vectors a and b, any one of the two vectors is slide such that its tail is on the head of other vector, okay. Okay, then R vector will give the resultant vector. Then R vector will give the resultant vector. Okay, समझ लें एक बार, एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो आपने मान लो ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से जॉइन किया, तो ए वेक्टर की टेल को जो बी वेक्टर के हेड से जॉइन करेंगे वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट है, जैसे हम कहेंगे इन दोनों का वेक्टर एडिशन, ओके, मैं लिखूंगा यहां पे एक तरह से कि ये है
आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझे क्या किया, ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से ज्वाइन कराया, तो ए वेक्टर को जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आर वेक्टर मिलेगा। तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, आर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, अब समझेंगे, आपसे कह दिया जाए मानो कि जैसे आप लोग अभी टेंथ में पढ़ के आए होंगे तो आप लोगों को इतना तो पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है। ओके, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ओके, तो आप कहेंगे मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा में लेता हूँ तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये होता था। अच्छा, अगर आपसे कह दिया जाए कहीं पे, क्योंकि अभी कैलकुलेशंस में इसका यूज आएगा इसलिए बता रहा हूं, अगर आपसे कह दिया जाए कि मान लो सर ऐसा है कि आपको ये एक साइड गिवन है और ये एक साइड गिवन है, ये मान लीजिए 8 मीटर की और ये 6 मीटर की, ये ABC ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपसे पूछ लिया जाए ये एंगल बताना है तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर। कैसे, अगर ये एंगल बताना है तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप ये निकाल लो AC, तो AC कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर बहुत आसान है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36 यानी √100, तो ये आ गया कितना 10 मीटर, यानी आपने हाइपोटेनस की लेंथ तो निकाल ली 10 मीटर। अगर आप अब ये हाइपोटेनस की लेंथ निकाल लेते हैं तो आप ये एंगल भी बता सकते हैं, तो अगर एंगल बताना है तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, साइन थीटा लगा दूं, कॉस थीटा लगा दूं या टेन थीटा लगा दूं। देखो अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं, तो आप लिखेंगे देखो साइन थीटा होता है क्या, कह रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है कितना, कह रहे हैं 8 मीटर, ये 8, हाइपोटेनस की लेंथ कितनी आई 10, तो 8/10, यानी देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8/10 यानी कितना 4/5, तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई। ओके, यानी आपको एंगल पता चल गया मोटा मोटा कि कितना हो। अब ये हम बेसिकली करते थे, ठीक है, यहाँ पे मेन कंसर्न हमारे साथ ये है कि हमें ये मान लो गिवन है ये 10 मीटर और ये थीटा, आपको बताना है मान लो ये लेंथ कितनी है, उल्टा प्रॉब्लम। ओके, पहले इतना नोट करो फिर उस पॉइंट पे आते हैं। चलिए अब अगर आपसे कहा जाए मान लीजिए कि
मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए कि यहाँ पे आपको ये साइड गिवन है, ये 10 मीटर गिवन है, ओके, ये एंगल थीटा गिवन है, आपको बताना है थीटा की वैल्यू, मान लो मैं लेता हूँ 30 डिग्री, ओके, ये एबीसी ट्रायंगल हो गया, एंड यू नीड टू फाइंड एबी एंड बीसी, यानी आपको एबी सेगमेंट और बीसी सेगमेंट की लेंथ बतानी है। तो जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, अभी जो आप लोगों ने किया था, आपको एबी सेगमेंट और बीसी सेगमेंट की लेंथ पता थी, आपको एसी की लेंथ बताना थी और थीटा बताना था। तो आपने कहा सर वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के एसी निकाल लिया और फिर साइन थीटा कॉस थीटा लगा के हमने एबी और बीसी कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब प्रॉब्लम उसका जस्ट रिवर्स है, तो अगर मैं एबी और बीसी निकालना चाहता हूँ तो देखो आप कहेंगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको एबी निकालना है तो आपको ये पता है, ये थीटा पता है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू एबी अपॉन एसी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। तो क्या मैं यहाँ पे एबी को एसी का साइन थीटा लिख सकता हूं, बताओ। यहाँ पे ले गए एसी, इधर आया क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो एबी हो गया एसी साइन थीटा। अच्छा बताओ, यानी मैं एबी की लेंथ सीधे लिख सकता हूं, क्या होगा एसी साइन थीटा, ओके। और अगर मैं ये बीसी लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे बीसी के लिए मैं लगाऊंगा क्या कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है बेस, और बेस में इन्वॉल्वमेंट होता है कॉस थीटा का, तो आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हम लोगों को निकालना है और बेस कितना दिया हुआ है बीसी, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है एसी, तो कॉस थीटा क्या मैं लिख सकता हूं एसी कॉस थीटा इक्वल टू बीसी, बताइए। चलिए देखो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं एसी कॉस थीटा, बताएं। अच्छा अब अगर लेंथ लिखनी है तो आप कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, जब थीटा 30 डिग्री होता है तो आप कहते हैं साइन थीटा हाफ आता है और कॉस थीटा आता है रूट 3/2, तो आप लिख सकते हैं ए बी कितना आएगा, कह रहे ए सी लेंथ पता है मुझे 10 मीटर, साइन 30 है तो साइन 30 लिखा, यानी ये आ गया कितना 10 × 1/2 5 मीटर, तो ए सी साइन थीटा हमें कितना मिल गया 5 मीटर, ओके। अच्छा अब अगर ए सी कॉस थीटा की बात की जाए तो कहेंगे देखिए बी सी की वैल्यू जो है वो है कितना एसी कॉस थीटा, एसी कॉस थीटा, तो एसी हमारे पास 10 मीटर है और कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू आती है √3/2, तो ये हो गया 10 × √3/2 यानी 5√3 मीटर, ओके। कितना आ गया ये 5√3 मीटर, समझे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस गिवन है और एंगल गिवन है तो आप कैसे परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड आउट करें, तो देखेंगे सर तो सीधा सीधा हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि परपेंडिकुलर सर हो जाता है एसी का साइन थीटा और बेस में कॉस थीटा आ जाता है, ओके। तो ये एक तरह से चीजें याद हो जाती है हमें कि अगर मुझे मान लो हाइपोटेनस गिवन है और बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनस का साइन थीटा और बेस हो जाएगा हाइपोटेनस का कॉस थीटा, ओके। ये नोट कर लो, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं इस पे। मैं निकालना चाहता हूँ उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
नोट कर लिया है सभी? ओके तो मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूँ। अब देखो अभी हम लोग अभी ट्रायंगल लॉ में ही बात कर रहे हैं, उसका भी हमने रिजल्ट ट्राई नहीं किया, देखते हैं। आपसे कह दिया जाए कि अभी हमने ट्रायंगल लॉ में ये पढ़ा था कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर के हेड को हम अगर बी वेक्टर के टेल से ज्वाइन करते थे ऐसे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यानी इन दोनों का जो एडिशन होगा वो ये होगा, दिस ए बी वेक्टर, ओके ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो मैं कह दूं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आप कहेंगे जो आर वेक्टर आएगा वो होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन, ओके ये बी वेक्टर ऐसे लिखते थे। अब मैं कह रहा हूं कि ए और बी के बीच मुझे एंगल लिखना है, तो आप कहेंगे सर देखो अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल लिखना होता था तो उनके हेड्स के बीच जो स्मॉलर एंगल होता था उसे कहा जाता था एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखो इनके हेड्स के बीच एंगल अगर लिखना है तो आप कहेंगे इस लाइन को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कराऊं, और जब इसे थोड़ा आगे एक्सटेंड कराऊंगा तो दिस विल बी योर एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सपोज कर रहे हैं हम लोग मान लो ए है यानी इसकी लेंथ कुछ ए है, ठीक है ए वेक्टर की लेंथ कुछ ए है, बी वेक्टर की लेंथ बी है, ओके कोई दिक्कत? यानी देखो ऐसा हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड है ए और इसका मैग्नीट्यूड है बी। अब आपको निकालना है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, आर वेक्टर का, यानी ये अगर ये आर वेक्टर बना तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये मान लो हम सपोज कर लेते हैं कि आर है, तो आपको आर और ए बी के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए अब देखते हैं, आपने कह दिया सर देखिए ऐसा है मोटा मोटा ऐसे देखा जाए तो कि ये हो गया अपना ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए, और ये हो गया अपना बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना बी, और ये इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करें तो ये बन रहा है अपना आर वेक्टर, ओके तो देखो अगर आपको आर वेक्टर की लेंथ लिखनी है सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि ये एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में ये थीटा, ठीक है। अब ये ए, ये मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, अगर मान लो मैं यहां पे लिखता हूं ये ऐसे मैंने यहां परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री बना, ओके ये आर ये एस, तो एक बात अगर देखो पी आर एस ये This is a perpendicular triangle, है? सबसे पहले अगर आप एक बात बताओ तो बी वेक्टर अगर आप यहां पे क्यू आर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें क्यू आर, ये वाली लेंथ, ओके जब आप ये वाली लेंथ निकालना चाहेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हमने अभी निकाला था, आपको पता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, ये एंगल थीटा है, यानी अगर ये क्यू आर निकालें तो क्यू आर कितना आएगा, कहेंगे बी का कॉस थीटा, बताओ ये एक बेस बनेगा, ये अगर बेस बना तो आपको पता है ये बनेगा हाइपोटेनस और ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो हमने अभी क्या बताया था परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं साइन थीटा के साथ,
और बेस को लिखते हैं cos थीटा के साथ। यहाँ पे b वेक्टर की लेंथ b थी तो लिखा क्या, b का cos थीटा क्या बनेगा, ये लेंथ qr। ओके अच्छा sr क्या बनेगा, तो लिखेंगे सर देखो ऐसा है sr, आप चाहो तो लिख लो sr, ये जो लेंथ हो गई अपॉन sq, क्या बनेगा cos सॉरी sin थीटा, क्योंकि sin थीटा होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर पता है ऐसा और हाइपोटेनस पता है sq, और sq की लेंथ हम लोग को पता है कितना b, और sr हम लोगों को निकालना है, ये हो गया sin थीटा। तो sr इक्वल टू क्या b का sin थीटा बनेगा, यस बिल्कुल बनेगा। तो ये लिख दिया हम लोगों ने क्या, ये लिखा है यहाँ पे b का sin थीटा बना sr। ओके ये बन गया b का sin थीटा। अब अगर आपको r वेक्टर की लेंथ निकालनी है ये मैग्नीट्यूड, तो आप कहेंगे सर देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है पी आर एस, पी आर एस ओके, ये मान लो स्मॉल r लिख देते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। पी आर एस क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये p यहां पे r ये और s ये, ठीक कह रहे हैं यस बिल्कुल बनेगा। यानी देखो पी एस का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो आपको पी एस क्या है, यानी ये वेक्टर इसकी लेंथ कितनी है आर, तो इसकी जगह पे लिखा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर की लेंथ कितनी हुई, कह रहे हैं सर देखिए ऐसा है पी आर की लेंथ होगी पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी देखो ये लेंथ कितनी ए, ये लेंथ b cos थीटा, तो आप लिखेंगे पी आर कितना a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस आर एस कितना b sin थीटा का स्क्वायर। तो देखो अब यहां पे अगर ब्रैकेट खोला जाए तो लिखेंगे r स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। तो लिखेंगे अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके प्लस यहां पे क्या लिखेंगे सॉरी बी स्क्वायर कॉस थीटा था, तो यहां पे आना चाहिए क्या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये गड़बड़ लिख दिया थोड़ा, ए स्क्वायर प्लस इसको ब्रैकेट को खोला तो ये बनेगा बी कॉस थीटा, तो ये बना बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस ये बन गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दो, बनेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। देखो क्या बन गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कितना बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आ गया आर स्क्वायर। यानी r इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी अगर आप a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़ें तो इनके जोड़ने पे जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, ओके उसका रिजल्टेंट इस क्वांटिटी के बराबर होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थीटा क्या था, कह रहे थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके यहां पे मैं एक नया एंगल देता हूं अल्फा, ये अल्फा क्या है, तो कह रहे हैं अल्फा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, ओके अगर अल्फा निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो देखो अभी अगर अल्फा की वैल्यू लिखनी है तो आप कहेंगे कुछ भी लगा सकते हैं, जनरली आप लोगों को ये अल्फा 10 के फॉर्म में मिलता है, किसके फॉर्म में 10 के फॉर्म में। तो देखो अगर अल्फा लिखना है तो आप कहेंगे सर देखिए अभी भी इस ट्रायंगल में अगर आप देखें ये जो पी आर एस ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर आपको अल्फा की वैल्यू लिखनी है तो आप लिखेंगे देखो इस PRS ट्रायंगल में ये R है हाइपोटेनस और ये PR है बेस और SR है परपेंडिकुलर, ओके तो आप लिखेंगे tan अल्फा
जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हम लोगों के पास कितना, बी साइन थीटा, और बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आएगा कितना, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बनेगा क्या, टेन अल्फा। ओके, क्या बनेगा, टेन अल्फा। समझ चुके हैं, अल्फा और थीटा में अंतर है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों के बीच में अंतर समझिएगा, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ओके, आप इसे नोट करेंगे अब। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स चला था, उसका होमवर्क कुछ किया, कुछ अभी तक एक्सरसाइज मिली है उसकी करने के लिए? अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो। ओके बच्चों, तो अभी बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने कोई एक्सरसाइज की है ये बताइए मुझे। चलिए ठीक है, अगले टर्न तक आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज वन कर लेंगे, मतलब उसमें एक्सरसाइज वन में बेसिक मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? और बाकी हम लोग जो नहीं आते हैं आपको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास का? ओके, थैंक यू। थैंक यू बेटा। अच्छा और बताओ, आज मतलब कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो समझ में ना आया हो? अगले टर्न पे हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलिनोमियल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? और यूनिट वेक्टर से होते हुए फिर हम लोग आगे एडिशन ऑफ वेक्टर पे आगे भी जाएंगे, ठीक है? ओके बच्चे, अगले टर्न से आपको वेक्टर्स का होमवर्क भी मिलेगा। अभी आप सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स का होमवर्क कीजिए, क्योंकि इसमें अभी आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है? ओके, हाँ, थ्योरी का अगर पोर्शन हो तो वो कर सकते हो, जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह के अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।